वेलकम बैक टू कांसर क्लासेस। स्वागत है आप सभी का कांसर क्लासेस में। तो करंट क्लास में आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक और नया क्वेश्चन। हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ करंट अफेयर के बारे में कि क्या आज चर्चा में रहा। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रही हूँ, सीरीज करा रही हूँ, वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा सो आपको फर्दर नोटिफिकेशन चैनल के रिगार्डिंग मिलते रहे। तो चलिए आज का क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान लोक आयोग या लोक प्रशासन संस्था रीपा का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? नया महानिदेशक किसे बनाया गया? तो आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इफ यू नो द आंसर, अदरवाइज मैं तो आपको बता ही दूंगी। तो यहां पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुधांश पंत, यानी सुधांश पंत जी को यहाँ पे मुख्य निदेशक बनाया गया। दोस्तों अब इससे जुड़ी हम कुछ बातें यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर HCM रीपा, सबसे पहले तो बात करते हैं ये है क्या, क्या है इसके फुल फॉर्म HCM रीपा की। दोस्तों तो लिख लीजिए, ये है आपका हरीश चंद मदर, और रीपा की आपकी हो जाएगी राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये आपका हो गया HCM रीपा। सो HCM रीपा इज व्हाट? HCM रीपा इज हरीश चंद मदर, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां से इतनी बात क्लियर हुई। राजस्थान में वर्तमान में, ये राजस्थान जो है वर्तमान में कब बना था? राजस्थान स्थापित हुआ था वर्तमान में, इसको जो मुख्य स्वरूप मिला था वो मिला था 1 नवंबर 1956 में। तो ये तो हम सभी जानते हैं, एकीकरण के टाइम पे हमने ये चीजें देखी थी दोस्तों। तो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी की ट्रेनिंग कराई जाती है यहाँ पर। तो आपके प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं? आपके जितने भी RAS होते हैं वो सारे अधिकारी आपके प्रशासनिक अधिकारी ही कहलाते हैं। इनकी ट्रेनिंग यहाँ कराई जाती है दोस्तों। तो ये ट्रेनिंग होती है और यहाँ पर RAS ऑफिसर्स का ट्रेनिंग स्कूल जो है वो स्टार्ट हुआ था। RAS ऑफिसर्स जो है हमारे, उनका ट्रेनिंग स्कूल यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये ओपन किया गया था 14 नवंबर 1956 को। कहाँ पर स्थापित हुआ था दोस्तों? ये आपके स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहां से शिफ्ट हो गया था। कहाँ पे शिफ्ट हो गया था अब ये आपको मुझे बताना है, ये कहाँ पे स्थापित हुआ था पहले तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और कहाँ पे शिफ्ट हो गया था? इसे जयपुर में शिफ्ट कर दिया गया था दोस्तों। ये आपका शिफ्ट हो गया था जयपुर में। कब हुआ था ये जयपुर में शिफ्ट आपका? 15 जनवरी 1963 में। और इसकी जो नई बिल्डिंग बनी थी, न्यू बिल्डिंग, ये आपकी कब बनी थी ये भी लिख लीजिए। ये आपके अगले 3 साल बाद 16 अक्टूबर को 1966 में बनी थी दोस्तों। सो यहां से HCM रीपा का जो आपका नामकरण है, नामकरण वो कब हुआ था? इसका नामकरण हुआ था 1963, यानी 1983 में, 83 में, ठीक है, 1983 ध्यान रख लेना, यहां से इसका नामकरण हुआ था। तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है। आगे जो बात है दोस्तों वो भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। कौन सी चीजें आपको और ध्यान रखनी है? यहाँ पे बजट जो हमारा आया था, देखिए बजट 2022-23 में जो आया था वहां पर इसके बारे में क्या बोला गया था कि जो HCM रीपा है यहाँ पे स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, स्टेट रोड
सेफ्टी इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोला जाएगा। तो ये सभी बातें दोस्तों यहाँ पे एचसीएम रीपा से जुड़ी है, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो प्रशासनिक अधिकारी की ट्रेनिंग है ये कहाँ पर होती थी, ये आपको मुझे बताने कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड यहाँ पर देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को हमने हल कर लिया है कि राजस्थान लोक प्रशासन संस्था रीपा का नया महानिदेशक जो है वो हमारे सुधांश पंत को बनाया गया है। एचसीएम रीपा हमने यहाँ पे देखा कब स्थापित हुआ था, क्या होता है एचसीएम रीपा, किस चीज की ट्रेनिंग यहाँ पे की जाती है, वर्तमान में कहाँ पर है, किसकी बिल्डिंग है, बजट में इसके बारे में क्या बोला गया, ये सभी बातें हमने यहाँ पर कर ली है दोस्तों। यहाँ पर एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं आपको, इसके जो रीजनल सेंटर्स है, चार रीजनल सेंटर है एचसीएम रीपा के, चार रीजनल सेंटर है। कहाँ कहाँ पर है, ये आपके जोधपुर में है, कोटा में है, उदयपुर में है और आपके जयपुर में है। जोधपुर, उदयपुर, कोटा और ये सब आपके चार रीजनल सेंटर है, ये आपने देखे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।